तो वीबीए प्रोग्रामिंग में हम सीड का क्या यूज करते हैं उसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सीड को वीबीए दो तरह से जानता है, एक ठीक है, एक कैप्सा नेम, दूसरा प्रॉपर्टी नेम। जैसे जो ब्रैकेट में डला हुआ है उसको हम कैप्सा नेम कहते हैं, मतलब कि बाहर जो सीट पे आपका नाम दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया जैन, तो इस जैन को अब इसको जो कैप्सा नेम जैन हो जाता है, और सीट नेम जो है, जो प्रॉपर्टी नेम है वो प्रॉपर्टी नेम रहता है, सीट वन है। इस प्रॉपर्टी नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं, जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में आके प्रॉपर्टी नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने मंथ दे दिया तो प्रॉपर्टी नेम मंथ एंड सीट नेम जैन आ गया। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो जब हम मैक्रो क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैक्रो हम लिखते हैं, तो इस मैक्रो के अंदर में, जो भी मैक्रो हम बनाते हैं उस मैक्रो के अंदर में हमें सीट को जो कॉल करना है, तो उसको दो तरीके से, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी नेम है, मंथ प्रॉपर्टी नेम है, तो प्रॉपर्टी नेम से भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे एक्टिवेट वगैरह और भी चीज होती है ना, एक्टिवेट काउंट भी, जो भी आप सीट पे करना चाहते हो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है सर। प्रॉपर्टी नेम से, प्रॉपर्टी ये रहा, कॉल करिए सर एक बार फिर। नेम जैसे कि यहाँ पे सीट टू को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सीट टू डॉट सेलेक्ट, नहीं, या कैप्शन नेम से कॉल करना चाहता हूँ। हाँ क्या बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ सर, हो रही हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम से भी हम कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कैप्शन नेम से कॉल करना। तो कैप्शन नेम से कॉल करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वो होता है सीट्स, और इसके अंदर में हम उसका कैप्शन नेम लिखते हैं जैन डॉट सेलेक्ट। ठीक है, और एक तीसरा तरीका होता है इसका सीक्वेंस नंबर, सीड्स वन वन डॉट सेलेक्ट। तो तीन तरीके हैं आपको किसी पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, सीड को कॉल करने का। पहला है प्रॉपर्टी नेम, दूसरा है कैप्शन नेम, और तीसरा है इसका सीक्वेंस नंबर, मतलब कि इंडेक्स नंबर, कि वन है तो वन। अगर मान लो सीट वन को उठा, सीट थ्री को अगर पहले रख दिया, तो अब जो आपका जो इंडेक्स नंबर है इस सीट थ्री को एक्टिवेट करेगा, और पोजीशन के हिसाब से कॉल करता है। ठीक है। लेकिन सर ये मैं पूछने जा रहा हूँ, लाइक ये जो शीट वन आ रहा है, शीट वन सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसमें जो वन है वो कैप्शन नेम है या फिर लाइक इंडेक्स नंबर, हाउ इंडेक्स मेनी नंबर, शीट्स आर अवेलेबल इन द इंडेक्स नंबर वर्कबुक, है सर, कैप्शन नेम नहीं, इंडेक्स नंबर। वही मैं कंफर्म कर रहा था, कंफ्यूजन हो रही ना। तो इसमें जैसे वर्कबुक में अगर पांच शीटें हैं तो फाइव हो जाएगा। नहीं, सीक्वेंस नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें तीसरा सीट ओपन करना है, बहुत सारे सीट है, हमें तीसरा सीट करना है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे तीन दे देंगे। जैसे इसका यूज वहां पे होता है, जैसे एक सीट के 20, आप एक फाइल में 20 सीटें, आपको हर एक सीट से आपको डेटा उठाना है, हर एक सीट पे जाके कुछ करना है, तो आपको हर एक सीट पे जाओगे तो अब दिक्कत यहां पे आई, हर एक सीट का प्रॉपर्टी नेम या हर एक सीट का कैप्शन नेम आपको पता नहीं है।
वहां पे सीक्वेंस नंबर की सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 ऐसे सीक्वेंस नंबर 20 तक का, तो उस केस में इस इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। समझाया सर? ठीक है। अब बात आती है कि हम कैप्चर नेम का इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए कैप्चर नेम का इस्तेमाल करते हैं कि आपका सीट सेम होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपका एक डैशबोर्ड एक रिपोर्ट है, उसका नाम हर महीने का हिसाब होता है कि जैन समरी फैब समरी, नहीं माफ कीजिएगा सॉरी, एक रिपोर्ट होता है जिसके समरी उसका नाम है, ठीक है, उसका समरी नाम है या जैन समरी या फैब समरी नाम है आपका, तो हर बार क्या करते हो आप सीट को डिलीट कर देते हो, फिर एक नया सीट ऐड कर देते हो उसका नाम आप समरी रख देते हो, ठीक है। मतलब कि आपका सीट का कैप्चर नेम सेम होता है लेकिन वो बार बार डिलीट होते रहता है, तो डिलीट होने के कारण आप प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। जिसके मान लीजिए ना कि मंथ को मैंने डिलीट कर दिया, मैंने कि सीट जैन को मैंने डिलीट कर दिया और फिर मैं किसी और सीट का नाम मैंने जैन रख दिया, तो अब क्या होगा कि ए कोड मेरा वर्क करेगा बट ए वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जैसे डिलीट होते हैं उसका प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाता है, लेकिन कैप्चर नेम अगर आप चेंज कर दिए तो उसका अकॉर्डिंग पिक कर लेगा। और प्रॉपर्टी नेम पता है कि प्रोग्रामिंग में जाके उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसका नेम रखना पड़ेगा, तो दिक्कत हो सकती है इसमें। तो हम जब कैप्चर नेम चेंज करते हैं, और जब कैप्चर नेम फिक्स होता है, फाइल सीट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है बट कैप्चर नेम तो फिक्स, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं आपका प्रॉपर्टी नेम कैप्चर नेम। और बात होती है कि आपका सीट सेम होता है और बार बार नेम आपका चेंज होते रहता है, जैसे अभी जो है जैन समरी है, कल आपका फैब समरी हो जाएगा, फिर मार्च समरी हो जाएगा, ऐसे अगर चेंज होते रहते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टी नेम। कोई कैप्चर नेम हर बार चेंज होते रहता है, प्रॉपर्टी नेम फिक्स होता है, प्रॉपर्टी नेम मतलब सीट डिलीट नहीं होगा तब तक वो चलेगा नहीं, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए हमारा सीट का कॉलिंग मेथड है, समझ में आ गया कॉलिंग मेथड? तो चलिए इस पे अब जो इसका हेल्प है, आपको याद होगा मैंने एक हेल्प से स्टडी करना बताया था।